हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज आपको सिखा बताने वाला हूँ रिवाइज सिलेबस। मतलब ये जो सिलेबस रिवाइज्ड हो गया है, सुबह सुबह में एक जोर का झटका हाई जोर से लगा, वो बताने वाला हूँ कि आपको भी मैंने भी एक झटका दिया। मैंने एक वीडियो डाल दी और उसके बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि सिलेबस पूरा रिवाइज किया हुआ है। अब वो क्या रिवाइज हुआ है, सही में एक्चुअल में वो रिवाइज हुआ है या आपके लिए कुछ बड़ा झटका है, तो एक चीज बता दूं, आपके लिए खुशखबरी है। इतना याद रखो, ले भारी चीज है जो भी है, लेकिन ले भारी है। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू सो कि क्या आपको रिवाइज्ड हुआ है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो द रिवाइज्ड पोर्शन, ठीक है। इसका जो मैंने प्रॉपर वीडियो है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, बाद में मैं साइंस की बात करूंगा। जो मैंने मैथ्स का जो प्रॉपर वीडियो है वो ऑलरेडी बना चुका हूं, विद टेक्स्ट बुक, विद पेज नंबर, विद टॉपिक नंबर। अगर आप नए हो और नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब पर देख सकते हो, ठीक है। अब बकवास करे बिना, नहीं तो कमेंट में लिखोगे सर बहुत बकवास करता है, तो बकवास करे बिना चालू करता हूं रिडक्शन सिलेबस। तो देखो, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, इस जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है उसी चीज के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्या रिवाइज्ड कैसे लिया है। तो देखिए, रिवाइज में ऐसा है कि टॉपिक और बढ़ गए, क्या मजा आ गया ना, टॉपिक बढ़ गए मतलब आपको मजा आने वाला है। तो देखो, यहां पर दो थ्योरम और इंक्लूड कर दिया। देखो यहां पर जो मैंने राइट मारा हुआ है, प्रमेय 1.1 और 1.2। प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में ढूंढ लेना, आप लिखना चाहो तो लिख लो साइट पर। अभी मैं टेक्स्ट बुक नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन साइंस में टेक्स्ट बुक के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। तो प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम, थ्योरम 1.1 और थ्योरम 1.2। ओके, तो ये दोनों एक्सक्लूड हो गए, निकल गए सिलेबस में से। नेक्स्ट है एक्सरसाइज स्वाध्याय 1.4। ये देखो यहां पर राइट मारा हुआ है, स्वा मतलब होता है स्वाध्याय, आ गई अपने को गुजराती, भीड़ू गुजराती बराबर आ गई है। सो स्वाध्याय 1.4, 1.4 भी पूरी निकाल दी है, मतलब 1.4 भी आपको नहीं पढ़नी है। क्या मजा बात हो गई सर, क्या मजा आ गया आप तो, मतलब आपको 1.1 1.2 भी नहीं पढ़ना है, 1.4 भी नहीं पढ़नी, मतलब दो थ्योरम और एक्सरसाइज निकल गई है। थोड़ा एनर्जी कम है आज के वीडियो में, चला लेना, हमेशा बहुत जोश में रहता हूं लेकिन आज थक चुका हूं काम कर करके, तो थोड़ी एनर्जी आप लोग के साथ कम पड़ेगी आज, आज आपको ही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनोमियल में। तो देखो पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो पॉलिनोमियल में होगा फिफ्थ एग्जाम्पल। आपने कमेंट सेक्शन में काफी सारे जन ने लिखा था कि सर फिफ्थ एग्जाम्पल का क्या करना है, तो फिक्स एग्जाम्पल को निकाल देना है, मतलब आपको फिफ्थ एग्जाम्पल नहीं करना है। उदाहरण 5, वो एक इंक्लूड हुआ है, मतलब वो भी आप लोग के लिए इंक्लूड एक्सक्लूड कर दो। एग्जाम्पल 5 विल बी एक्सक्लूडेड, इंग्लिश आती है मेरे को तो, बराबर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नो चेंज, थर्ड चैप्टर नो चेंज, जहां कोई चेंज नहीं है वहां मैंने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नो चेंज। आगे चलते हैं द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण मतलब फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही रह जाता है। तो यार ये तो मजाक हो गया सर हमारे साथ, अरे भाई कितना चाहिए, बहुत मिला है आपको। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गुजराती आ गई मेरे को, गुजराती आ गई, तो नो चेंज, यहां पर भी आप लोग का नो चेंज रहता है। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, यस यहां पर एक चेंज है। देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था थ्योरम 6.8, है ना, थ्योरम 6.8 यहां पर बताया था, लेकिन अब यहां पर नहीं है वो, याद रखना ये थ्योरम यहां पर नहीं है, थ्योरम कहां पर है, थ्योरम आ गया है इंक्लूडेड में, मतलब थ्योरम 6.8 आपका इंक्लूड हो गया है, पहले उसे एक्सक्लूड कर दिया था, अब उसे क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। सही है बच्चों, याद से थ्योरम आ गया, अब मजा आने वाला है। बिकॉज क्यों मजा आएगा, बिकॉज जितना थ्योरम होता है उतने स्कोरिंग के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपको वो समझाऊंगा, मेरे चैनल पे आते रहेंगे, थ्योरम्स देखते रहना। नेक्स्ट 7 चैप्टर पे चलते हैं, यम भूमिति मतलब अपने को ज्यादा नहीं आती है, अपने को इतना समझ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई भारी पड़ जाती है ये सब। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो 7.4 का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो 7.4 भी आपको पूरी नहीं करनी है, यहां पर लिखा है स्वाध्यायी 7.4 नहीं करनी है, शायद उसका क्लैरिफिकेशन नहीं था तो वो भी आप लोग को नहीं करनी है। ओके, एक्सरसाइज 7.4। चलिए आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, यस ट्रिग्नोमेट्री में एक बड़ा चेंज आया है। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज निकाल दी, यहां पर ध्यान से सुनना, आइडेंटिटीज निकाल दी, ओके, ट्रिग्नोमेट्री ना नियमों, और उसके साथ यहां पर देखो स्वाध्याय ये भी मैंने निकलवा दिया था, एक्सरसाइज 8.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन 8.4 का 1 से लेकर 4 तक इंक्लूड हुआ है वापस,
देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.4 1 से लेकर 4 तक इंक्लूड हो गया। अभी आप नोट डाउन करते रहो, आप कंफ्यूज मत हो, साइट पर कहीं पेज में लिख दो कि क्या इंक्लूड हुआ है, बाद में वहां पर जाके रब कर देना, अगर पेंसिल का यूज किया है, पेन का यूज किया है तो व्हाइटनर लगा देना, बड़ा सिंपल यार, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो 8.4 में फर्स्ट और फोर्थ निकल गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे क्या मिलने वाला है, क्या सरप्राइज है। देखिए यार सरप्राइज ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इतना ज्यादा मैं एक्साइटेड नहीं हूँ बताने के लिए, लेकिन साइंस में बड़ा एक्साइटेड हूँ, साइंस मजा कराऊंगा, मत टेंशन लो, साइंस में और एनर्जी भरूंगा आप में, और एनर्जी लाऊंगा मैं, देखते रहो देखते रहो। चलिए अब है 9 चैप्टर, नो चेंज, जो था जैसे थे वैसे करेंगे। ओके नेक्स्ट वर्तूर, वर्तूर वर्तूर ये 10th है सर्कल। देखो सर्कल में यहां पर था 8 से लेकर 12 तक, 13 का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था, तो वो लोग ने कर दिया 8 से लेकर 13 तक, मतलब आपका स्वाध्याय 10.2 में फोर्थ और फिफ्थ तो ऑलरेडी गया हुआ है, फोर्थ और फिफ्थ तो गया हुआ था, 8 से लेकर 12 तक था क्वेश्चन नंबर, 8 से लेकर 12 तक था 10.2 में, लेकिन अब कर दिया 13 तक, मतलब वो एक सम भी इंक्लूड कर दिया, बचा कुचा जो भी बच गया था खाना वो भी बोला खा निकाल दो यार क्या करोगे, तो वो भी निकाल दिया। मजा आएगा आप लोगों को, बहुत सारी चीजें निकल गई है, मतलब रिवाइज सिलेबस आप लोग के लिए खुशियां लाया है, क्या लेके आया है, खुशी लेकर आया है आप लोग के लिए। लिखो हैशटैग खुशी, उतना तो लिख सकते यार, ले भारी तो अभी नहीं बोलूंगा, ले भारी तो नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है। चलिए 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 आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे। आपको पता ही है ये 12.3 मैंने आपको पूरा निकालने बोल दिया था, ठीक है, वो सब आपका कुछ नहीं, ये तो मैं जस्ट अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग को मैंने पहले बोल चुका हूं कि सारा 12.3 पूरा निकाल देना है। ओके तो 12.3 तो यहां पर तो इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, 12.3 पूरा निकल गया है। ओके तो ये भी सेम टू सेम रहा है, जो था जैसे थे वैसे, इसमें भी नो चेंज है, 13 चैप्टर 14 चैप्टर नो चेंज और 15 चैप्टर भी नो चेंज। तो इतना समझ लो कि जब रिडक्शन आया तो आपको आई सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज में यही था कि रिडक्शन में और भी पोर्शन बढ़ा देने में आया। तो अगर मजा आया है तो चैट सेक्शन में लिख दो ले भारी, थोड़ा बहुत लिख दो यार, मेरे को पता है अभी बोर हो गए हो, ले भारी लिखने में मजा नहीं आएगा, बिकॉज ज्यादा कुछ था नहीं, जो था वो पुराना ही रिडक्शन था। अगर जिसने पुराना रिडक्शन नहीं देखा है मैथ्स का, तो डू वॉच ऑन द माई आई टैब, ऊपर आई टैब पर लेफ्ट कॉर्नर पर मैंने अटैच कर दिया है। अब बात करते हो सर साइंस की बात करो, सुबह से आपने कंफ्यूजन में रखा है साइंस का, क्या करने का है करने का, अरे साइंस में बहुत भारी है, साइंस में बढ़िया वाला बहुत भारी चेंज है, बड़ा भारी चेंज है। और चलो चलो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, और साइंस का रिडक्शन चाहिए, साइंस का रिडक्शन हमें चाहिए था। साइंस का रिडक्शन क्यों चाहिए था, साइंस का रिडक्शन इसलिए चाहिए था बिकॉज साइंस का जो रिडक्शन है उसमें पहले क्या था, अब मैं क्लियर कर दूं, यहां पर जो आया और पहले का क्या हुआ, पहले वो लोग ने सब टॉपिक वाइज दिया था, मतलब ये टॉपिक गया वो टॉपिक गया ऐसा गया, बहुत कंफ्यूज कर दिया, कैसा कंफ्यूज कर दिया था हमको यार। अब क्या होगा कि हमें कंफ्यूज नहीं किया, सीधा सीधा टॉपिक, ये टॉपिक मत पढ़ो, ये टॉपिक मत पढ़ो, ये टॉपिक मत पढ़ो, मतलब टॉपिक वाइज बता ही दिया है। तो मजा आने वाला है, साइंस के लिए पेटी बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो और फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए चलिए तो चलो पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 यहां पर टेक्स्ट बुक लेके बैठना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना तो मजा आएगा। पेज नंबर 11 चलो चलो मैं भी थोड़ा फास्ट जाऊंगा इसके, पेज नंबर कितना है हम लोग यहां पर आ गया, पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ जाएगा 11 पेज नंबर। यस देखो 11 पेज नंबर पर अगर आप देखते हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकाल दिया है, मींस कट है, जो पहले था वही है डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये पूरा, मतलब इन शॉर्ट अब लिख के बोला है कि इसके अंदर का कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा टॉपिक निकाला है, मतलब अब कंफ्यूज नहीं किया है, टॉपिक वाइज निकाला है। सुबह में क्या था, जब वीडियो आया तब साला हम भी कंफ्यूज थे कि स्टूडेंट को कैसे एक्सप्लेन करें, तो मैंने उसका बहुत 2 दिन तक स्टडी करके तरीका निकाला, वैसे इसका मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब सीधा टॉपिक लिखा है कि ये टॉपिक निकल जाएगा, जैसे आपको बताता हूं कहां पर है वो आपके लिए काम का है, वो लास्ट में है एक्चुअली, तो आपको मैं लास्ट में दिखाता हूं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका निकल गया। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर 12। देखो सुबह में इस टॉपिक का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, इस टॉपिक का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं था कि क्या करना है, तो देखो ये टॉपिक बोल दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो भी नहीं पढ़ना है आप लोग को, मतलब पेज नंबर 12 पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं पढ़ना है, एक्चुअली वहां पर प्रकृति लिखा हुआ था ना, वो सब कंफ्यूज था, तो ये टॉपिक भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, हैव यू ऑब्जर्व द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, ओ बी 1.3 टॉपिक आपका हो जाता है 1.3, तो ये 1.3 टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है, मतलब ये जो 1.3 वाला टॉपिक है
Have you observed the effect of oxidation in everyday life? ये भी आप लोग को नहीं करना है. तो देखो यहाँ पर इस चैप्टर में से इतने टॉपिक जाते हैं, तीन टॉपिक चले गए. सुबह में जो था उसे भूल जाओ, उसे मारो गोली. अब अपने करते हैं नया टॉपिक, ठीक है. ये नया रिडक्शन है साइंस का और बड़ा अच्छा रिडक्शन है. दिल खुश कर दूंगा आप लोग का मैं इस टॉपिक से. चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. चैप्टर टू देखो, चैप्टर टू सुबह सुबह में क्या कंफ्यूजन डाला था, क्या कंफ्यूजन था, सिर्फ एक्टिविटी निकाली थी. लेकिन अब दिल खुश करता हूं, बहुत भारी टॉपिक निकाल दिया. पेज नंबर 29 पर जाओ, सरप्राइज है वहां पर. चलो पेज नंबर 29 पर जाओ आप लोग, पेज नंबर 29 पर चले जाओ, आपको पता चल जाएगा 19, 20, 21. चलो आप पहुंचेंगे, मैं पहुंचूंगा जल्दी जल्दी. कौन पहुंचता है? पेज नंबर 29, 26 पर आ गए हैं हम लोग. यस, पीएच ऑफ सॉल्ट निकाल दिया. देखो टॉपिक टू टॉपिक निकाल दिया है, पीएच ऑफ सॉल्ट निकाल दिया. मतलब क्लियरली अब मेंशन करके आया कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको. लास्ट में मैं गुजराती वाली पीडीएफ दिखाता हूँ, उसमें लिखा हुआ है शारना सरणो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. तो पीएच ऑफ सॉल्ट आपको नहीं पढ़ना है. फिर केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, वो भी आप लोग को नहीं पढ़ना है. गांधी जी मस्टर्ड चल रहे हैं बीच पर, तो वो भी आप लोग को नहीं पढ़ना है. केमिकल फ्रॉम द सॉल्ट, ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना है. फिर नेक्स्ट है आप लोग का पेज नंबर 32. चलो आप नीचे जाइए, मैं भी जाता हूँ पेज नंबर 32 पर. क्या है मतलब इसके अंदर अब जितने भी टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं वो नहीं पढ़ने. लिखा हुआ ही है कि ये पूरा पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है. तो 2.4.4 पेज नंबर 32. तो पेज नंबर 32 पर आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, ये वाला टॉपिक भी आपका निकल जाता है. तो क्या बढ़िया वाली बात हो गई कि भाई हमें क्लियरली मेंशन करके दिया. सुबह में इतना घुमावदार कंफ्यूज करके दिया हुआ था, फिर भी मैंने आपको बड़ी अच्छे लेवल में समझाने की ट्राई की. तो ये ले भारी चीज हो गई कि गवर्नमेंट ने सेकेंड रिवीजन में बहुत ही अच्छा काम कर दिया कि भाई नहीं, ये अच्छा किया, इसको हमें नहीं पढ़ना था तो बता दिया, इस चीज को मत पढ़ो. चलो आगे चलते हैं चैप्टर 3 पर. अब टॉपिक वाइज ही निकला है, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं. अभी आपको मजे ही करने हैं. टॉपिक टू टॉपिक निकल गया, मतलब सोच लो कि वो टॉपिक जाता है तो कितने पेज तक जाता है, वो आपके ऊपर है. चलो नेक्स्ट है चैप्टर 3.2 टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो सुबह में भी निकल गई थी. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखो आपके सामने, मैं स्क्रीन डाउन कर रहा हूँ. पेज नंबर आपका आएगा उसका पेज नंबर 39 या ऐसा कुछ, 30-40 पर आएगा. यस 40 पेज नंबर पर है केमिकल प्रॉपर्टीज. ये सुबह में भी नहीं थी, सुबह के वीडियो अगर आपने देखा हो, और अभी भी इसको क्लियरली मेंशन किया है कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न नहीं करनी है. और दूसरा है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, ये सुबह में जरा कंफ्यूजन में चला रहा था लेकिन इसे भी गवर्नमेंट ने निकाल दिया. इसका पेज नंबर अराउंड होगा 44 के आसपास होगा. चलो चल के देखते हैं 43 और ये 49 और भी नीचे है आई थिंक 40 पेज नंबर क्या आएगा मैं बताता हूँ नीचे जाइए 46 पेज नंबर 46 पर हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट, ये बड़ी बात हो गई, ये निकाल दिया है. थोड़ा कम एनर्जी में हूं इसलिए ज्यादा जोर में नहीं बोल रहा हूं. सो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ये निकल गया है. ठीक है, इतना एक्साइटेड नहीं हूं लेकिन ये जो भी निकला है वो आपके बेनिफिट का निकला है. बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आपको काफी हार्ड लगती थी तो वो तो निकल ही चुकी है. और हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मतलब अब इस टॉपिक के अंदर जितना भी है वो आपको नहीं करना है. क्लियर एंड सट बात बोल दी कि इस टॉपिक में जो भी इंक्लूडेड है वो सारी चीजें नहीं करनी है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर 4 पे आ जाते हैं. चैप्टर 4 क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी. चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड. पेज नंबर 69 पर है बच्चों, पेज नंबर 69. चलिए पेज नंबर 69 पर पहुंचो आप लोग फटाफट. 59 पर है अभी तो, 69 पर वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल दो. चलो चलो जल्दी 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 करेंगे जल्दी करेंगे. पेज नंबर 69 द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये निकाल दी. मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे जन को हार्ड लगती थी, बॉन्डिंग बनाना पड़ता था, तो ले भारी, ये बहुत बड़ी चीज हो गई कि केमिकल. लेकिन अब सरप्राइज है, अब फटाफट चैट में लिखो ले भारी. अब सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है? उसके रिलेटेड टॉपिक भी निकाल दिया है. मतलब उसके नीचे एक और टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ये निकाल दिया. ये बच्चे लोगों को बड़ा हार्ड लगता था समझाने के लिए, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड जिसका प्रिपेरेशन यूजेस सब करना पड़ता था. तो सुबह में इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था लेकिन अब इसका एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है और ये निकल गया है. तो बस लिखो इसको हैशटैग सरप्राइज, हैशटैग ले भारी. और वीडियो आखिरी तक देखना, एक बड़ा सरप्राइज इस वीडियो के अंदर भी आप लोग के लिए. जो पहली बार देख रहे हैं उसको पता होगा मेरा एक सरप्राइज रहेगा इस वीडियो के अंदर. तो यहां पर ये वाला टॉपिक निकल गया है. तो सोचो इसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे निकाल दो, मतलब इस टॉपिक को और उसके ऊपर वाले टॉपिक को नहीं पढ़ना है. तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने सीधा बता ही दिया कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है. चैप्टर 5
चैप्टर 5 तो सुबह में दो टॉपिक निकाले थे, लेकिन अब एक ही टॉपिक निकला है, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पर आ जाओ जल्दी। देखो कट मिल ही जाएगा, मैंने लाल लाल कलर से मारा है, तो लाल लाल कलर तो जल्दी बाहर आता है सब, ठीक है। ये रहा गया, हाँ ये रहा। तो देखो ये ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 5.3.2 पेज नंबर 88 पर ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। सुबह में दो टॉपिक कट करवाए थे, देखो मैं कंपैरिजन भी बता रहा हूँ, सुबह में दो थे लेकिन मैंने अभी कितने कराए, अभी एक ही कराया है, तो उसे भी आप लोग निकाल दो, ये भी आपका निकल जाएगा। तो इसमें ज्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है चलो एक टॉपिक इसमें नहीं भी निकालते हैं तो ये तो ईजी चीज हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर 6 सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है बताओ, गैस करो जल्दी गैस करो, अगर किसी ने देखा हो चैप्टर 6 वाहन निकल गया। सर ये वाहन क्या होता है, गुजराती है ना, ट्रांसपोर्टेशन। पूरा टॉपिक निकाल दिया, पूरा ट्रांसपोर्टेशन निकाल दिया, मतलब आपका जो 6.4 है पूरा 6.4 आपका निकाल दिया है पेज नंबर 105 पर। ए टू जेड चीज आपकी निकाल दी है, मीन्स आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन एक भी चीज नहीं करनी है। सुबह में बहुत डिफरेंट डिफरेंट था, बीच में हार्ट निकाला था, एक्सक्रीशन निकाला था, तो ये कंफ्यूजन लेवल ज्यादा था, तो यहां पर पूरा ट्रांसपोर्टेशन निकाल दिया। तो इसका मतलब ये हो गया, अब आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन पूरे करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है। मजा आ गया सर, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है मतलब ह्यूमन हार्ट याद नहीं रखना है, दिल याद मत रखो किसी के लिए, मतलब दिल को याद मत रखना, बराबर, यहां पर दिल को याद नहीं रखना है। चलिए मजे वाली बात हो गई, तो लिखो #ले भारी, बिकॉज ये बहुत ही भारी टॉपिक था, स्टूडेंट को बहुत याद रखना पड़ता था। चलिए चैप्टर 7 सरप्राइज है, चैप्टर 7 भी एक सरप्राइज है। यहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो चीज का है, राइट, कोऑर्डिनेशन भी प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पूरा निकाल दिया। सही सुन रहे हो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पूरा निकाल दिया, मींस आप लोग पेज नंबर 119 पर पहुंचो भाई। चलो चलिए जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा फॉर्म में आ गए हम। चल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट निकाल दिया, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट निकाल दिया। आपको ये टॉपिक के अंदर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब ये पूरा टॉपिक जाता है। मजा आ गया सर, बिकॉज प्लांट का कोऑर्डिनेशन बड़ा हार्ड पड़ता है, बच्चों को बड़ा हार्ड लगता था, निकाल दिया उसको भी, मजा आ गया, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट भी निकल गया। चलिए अब चलेंगे और आगे चलेंगे, एक एक टॉपिक निकाला है, लेकिन सोचो एक टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक है सब निकल जाएंगे, मतलब अगर पिंक कलर का निकाला है तो उसके अंदर जितना भी टॉपिक होगा सब निकल जाएगा। चलो अब एट चैप्टर में बड़ा सरप्राइज है, थोड़ा फॉर्म में लेंगे अब उसको। एट चैप्टर में क्या बड़ा सरप्राइज है, देखो सुबह में कुछ भलती चीजें निकाली थी, अब निकाला है, अब क्या निकाला है बताओ, सरप्राइज 8.2 modes of reproduction used by the single organism, means they have removed this mode of reproduction by single organism, मतलब ये पूरा टॉपिक निकाल दिया है। हालांकि सुबह की वर्कशीट में ऐसा था, दोनों साइड रिफ्लेक्ट कर रहा था, येलो येलो कलर मारे हुए, अगर सुबह का वीडियो देखोगे तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बस ये टॉपिक निकाला, मतलब इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन बर्डिंग फिर स्पोर फॉर्मेशन सब निकल जाएगा सारी चीजें निकल जाएगी, कुछ भी नहीं पढ़ना है, मजा आ गया होगा। अब सिर्फ आप लोगों को ह्यूमन पर फोकस करना है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में फोकस करना है, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज लास्ट में है, बड़ा सरप्राइज है, दे रहा हूं लास्ट में देने वाला हूं, इस पूरे साइंस के रिलेटेड एक बड़ा सरप्राइज है, लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में बताऊंगा, बिकॉज वो लोग ने भी लास्ट में लिखा था सरप्राइज क्या था, वो लास्ट में लिखा था। चलिए चैप्टर 9 एक एक टॉपिक निकाला है, लेकिन सोचो एक एक टॉपिक में कितने टॉपिक जाते हैं, अरे चैप्टर 9 अरे ओके चैप्टर 9 तो चैप्टर 9 में क्या गया, एक्यूमुलेशन वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब ये वाला टॉपिक आपका निकल गया, ये एक्यूमुलेशन वाला आप लोग को नहीं पढ़ना है, एक्यूमुलेशन का टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 142। उसके बाद पेज नंबर 150 ये बड़ा सरप्राइज है पेज नंबर 150 चलो फटाफट जाओ पेज नंबर 150 पर, पेज नंबर 144 145 146 147 148 149 और ये 150। सर क्या बात है, स्पीशिएशन गया, स्पीशिएशन आपको नहीं पढ़ना है, मतलब स्पीशिएशन के 3-4 क्वेश्चन बनते थे कि व्हाट इज स्पीशिएशन, व्हाट फैक्टर डज द स्पीशिएशन डिपेंड अपॉन, डिस्क्राइब द 3 फैक्टर्स, तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी, स्पीशिएशन निकाल दिया, ले भारी मजा आ गया, लिखो मजा आ गया, मस्त मजा आ गया होगा। चलिए आगे चलते और भी निकला है, और भी ये चैप्टर में से निकला है, पेज नंबर 156 ये तो सुबह में भी निकाला हुआ था, सुबह में जो वीडियो आया उसके अंदर भी था भाई,
जल्दी 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 चलिए 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 मजा करेंगे मजा करेंगे, चलो 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 चलो, कौन पहुंचता है आपके में? ओ 9.6, टॉपिक 9.6 निकल गया है, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। देखो ये सिर्फ सुबह से जो चेंज आया उसी के बारे में, मतलब ये इसके रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये क्लियरली मेंशन होता है कि ये वाला जो सिलेबस है वो रियल है, क्योंकि यहां पर देखो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि ये टॉपिक मत पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सुबह में दोनों जगह रिफ्लेक्ट कर रहा था तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी समझाने में, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई की थी कि समझ समझ के आपको समझाया जाए, तो ये 9.6 भी आपका चला गया। चलो मजा आ गया, तो लिखो ले बारी। सर 10 चैप्टर में साला न्यूमेरिकल काट दिए, क्या किया? गेस गेस गेस, क्या न्यूमेरिकल काट दिए? नहीं, न्यूमेरिकल तो और भी गए, ऑल न्यूमेरिकल डिलीटेड, जितने भी न्यूमेरिकल है सब डिलीट कर दिए, ऐसा लिखा हुआ है, सारे न्यूमेरिकल डिलीट कर दिए। क्या बात है सर, दिल खुश कर देता, नीचे कमेंट में लिखते रहना दिल खुश कर देता। चलिए चलिए चलिए, मतलब आपका न्यूमेरिकल भी डिलीट हो गया, आपको उसका भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी है, और क्या है सर, और क्या है, और 10.2 टॉपिक पूरा निकाल दिया, 10.2, तो क्या है 10.2 में, 10.2 में क्या है, 10.2, यस एक ही मिनट, मैं और भी नीचे जाता हूं, ऊपर 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 ऊपर, यस स्पेरिकल मिरर, मतलब उसके अंदर, अब ध्यान से सुन लेना, सीधा लिखा हुआ है कि इसके अंदर के कोई टॉपिक नहीं, स्पेरिकल मिरर पूरा निकाल दिया है, स्पेरिकल मिरर मतलब 10.2 आपका पूरा टॉपिक निकल गया है, आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना है, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो गई, मतलब आपके पास अब लेंस बचता है करने के लिए, स्पेरिकल मिरर पूरा निकल जाता है, ये टॉपिक पूरा निकाल दिया आपको कुछ नहीं करना है अब, इसका मतलब आपको लेंस पर फोकस करना है, और न्यूमेरिकल तो करना ही नहीं है, तो ले भारी मजा आ गया होगा आप लोग को ये चैप्टर का सुन के, भाई स्पेरिकल मिरर ही निकाल दिया। ओके चलो चलो, अगर मजा आ रहा है तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जो जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो बच्चे सो रहे उसको उठाओ कि रिवाइज सिलेबस आ गया है, पहले जो पढ़ देखा है वो दूसरा था, लेकिन एक बात बता दूं, शेयर करना मत भूलना, पहले जहां तक शेयर किया था वहीं तक शेयर करो, ताकि वो लोग तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, बिकॉज हम किसी के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते, वी डोंट प्ले विथ एनी वंस फ्यूचर, तो जहां तक अगर आपने पहले शेयर किया तो इसको शेयर करो, बोलो सब्सक्राइब करें, बिकॉज GACB के लिए इंग्लिश मीडियम की चैनल है ये। आप लोग ने मेरे को कमेंट में बहुत बार पूछा कि सर आपका क्या, आप कहां से हो, क्या हो, तो ये GACB का है, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड, तो उसी के रिलेटेड है, और मैं यही बोर्ड को ज्यादा पढ़ाता हूं, लेकिन और भी CBSE वाले भी मेरा वीडियो देख सकते हैं अगर मैथ साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी चैनल पे सब मिलेगा, लेकिन ये सिलेबस है GACB का। चलो चलो फटाफट शेयर करो, सब्सक्राइब करो जो लोग ने नहीं किया है, तो चलो अब आगे, और सरप्राइज, और सरप्राइज, और क्या सरप्राइज है सर, 11 चैप्टर क्या गया, क्या गया 11 चैप्टर में, क्या गया, तो 11 चैप्टर में तो ह्यूमन आई, अखियों से आंख मारे, ऐसा कुछ था ना, तो ये तो गया हुआ ही है, मतलब इसके अंदर के कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब ऐसा लिख के नहीं दिया हुआ है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन, वो इसी के अंदर आ जाता है, तो वो आपको वो नहीं पढ़ना है, मींस पिंक कलर जाता है, मतलब समझ जाओ पूरा टॉपिक जा रहा है, तो ये पूरा एकदम सही वे में हमको कट करके दिया हुआ है। चलो अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, शेयर करना मत भूलो, शेयर जरूर करो, शेयर जरूर करो। चलो आगे चलेंगे, आगे है डिफेक्ट भी चली गई, क्या बात कर रहे हो सर, यस सुबह में भी नहीं थी, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस मायोपिया, इसे भी निकाल दिया और अभी भी निकाल दिया, मतलब ये डिफेक्ट ऑफ विजन भी आप लोग का चला गया है। ओके तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन भी चली गई, और एक पार्ट गया है, और भारी चीज लेकिन आपका लॉस है थोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है, क्या निकाल दिया बताता हूं, नीचे जाओ 11.6 पेज नंबर 195, लॉस गया है, थोड़ा लॉस किया है, यस 195 स्कैटरिंग ऑफ लाइट निकाल दिया, तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूं कि आपका नुकसान है, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको बहुत इजी लगता था, लेकिन यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को निकाल दिया है, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करेंगे, रिडक्शन आया है तो बताना है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जितने भी टॉपिक है सारे निकल जाते हैं। तो देखो आप लोग ने सुबह में कितना टफ रिडक्शन था और अभी कितना इजी और सीधा टॉपिक वाइज रिडक्शन है, तो ये बड़ा अच्छा रिडक्शन किया है। चैप्टर 12 सेम है, चैप्टर 12 में सुबह में दो टॉपिक रिड्यूस कराए थे, वो दो ही टॉपिक आप लोग को रिडक्शन में हुए, चैप्टर 12 सिर्फ दो टॉपिक है, कौन से थे आपको याद होगा, एक था आपका फैक्टर्स, ठीक है, एक आपका फैक्टर्स था,
कि एक मिनट बता देता हूँ आप लोग को, भूल ना जाओ सुबह में अगर वीडियो नहीं दिखाए तो। यस, फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स एंड नो न्यूमेरिकल, इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो नहीं आने वाले। और दूसरा इलेक्ट्रिक पावर है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आया है, इसमें जो सुबह में था जैसे थे वैसे, बराबर ये जैसा था बेचारा वैसा ही रहा है। और इसमें तो कुछ था भी नहीं ज्यादा, इसमें ज्यादा बहुत करना भी नहीं चाहिए था, वो लोग को तो वो नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पावर जो लास्ट टॉपिक रहता है, ये इलेक्ट्रिक पावर पेज नंबर आप लोग का वो नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपका क्या पेज नंबर है। यस, पेज नंबर आपका देख लो, आपको अगर नहीं पता है तो 219, तो 219 पर इलेक्ट्रिक पावर निकल गया है। तो चलो मजा आ रहा है, तो अगर फटाफट अगर बता दो, अभी डर लग रहा है, हार्ट बीट बढ़ेगी, सर जनरेटर गया वापस आ गया, जनरेटर वापस आ गया, मोटर वापस आ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वापस आ गया। अरे खुशी की बात है, कुछ वापस नहीं आया, सबका सब वैसा का वैसा ही है। 13 चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक वापस आया है, तूने मारी एंट्री, इसने फिर से एंट्री मार दी, लेकिन वो टॉपिक भी इजी है, डोमेस्टिक वायरिंग वापस आ गया। जो सुबह में आपको बोला था डोमेस्टिक वायरिंग नहीं है, डोमेस्टिक वायरिंग ने एंट्री मार दी यहाँ पर, तो चलेगा भाई, डोमेस्टिक वायरिंग तो समझ लेंगे, न्यूट्रल फेज वो सब तो इजी है, लेकिन जनरेटर मोटर एक नया टॉपिक गया, ले भारी सरप्राइज है यहाँ पर। क्या सरप्राइज सर, क्या सरप्राइज है, चलो बताता हूँ, टर्न बाय टर्न जाएंगे। पेज नंबर 225, एक भारी सरप्राइज बताता हूँ, एक भारी सरप्राइज बताता हूँ, चलो 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 पेज नंबर 225 पर पहुंचो। कौन पहुंचेगा, आपके मैं, आपके मैं, चलो चलो मैं पहुंच गया, मेरे को आ गया, वो साइड से फटाफट स्क्रॉल करता है। देखो 13.2, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, मतलब इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आपको नहीं पढ़ने है। तो ये मजेदार बात हो जाती है कि गवर्नमेंट ने रिवाइज सिलेबस में पिंक कलर के टॉपिक ही उड़ा दिए, मतलब बच्चे लोग को कोई टेंशन देना ही नहीं है, ज्यादा टेंशन देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका निकल जाता है, चल आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे पेज नंबर 232, पेज नंबर 232 पर पहुंचो, 232, आप पहुंचे, मैं पहुंचू, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं जल्दी पहुंचूंगा, बिकॉज मेरे को अभी स्क्रॉल करना आ गया, आप सीख गया, मैं सीख गया, चलो 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 232, चलो 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 चलो। यस, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं आई है, मैंने बोला ना टेंशन वाली कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं आई है, अब इसके बाद एक सरप्राइज है, इलेक्ट्रिक मोटर निकाल देना, क्रॉस मार के रखा हुआ है, लेकिन अब सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है सर, क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज है, अरे बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, एक सरप्राइज, एक सरप्राइज। 233, पेज नंबर 233, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सुबह में इंक्लूडेड था लेकिन रिवाइज सिलेबस में इसको निकाल दिया। अरे मजा आ गया कि नहीं, मजा आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकाल दिया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी निकाल दो। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड, ये टॉपिक भी यहां से एक्सक्लूड हो गया है। चलिए चलिए, और क्या जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर, यस जनरेटर 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 जनरेटर, चलो 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 जनरेटर चालू करें हम, क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी नहीं है, मजा आ गया सर, बिकॉज इलेक्ट्रिक जनरेटर हार था, एसी डीसी, उसमें भी एसी डीसी बहुत सारी चीजें दिमाग माचा पीछे करती थी, सारी निकल गई, तो क्या मजा आ गया। अब आ क्या गया, तो एक डोमेस्टिक वायरिंग इंक्लूड हो गया, तो डोमेस्टिक वायरिंग अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज इंक्लूड किया है तो हिंट है आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब जो टॉपिक इंक्लूड होते हैं उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट इंक्लूड ही क्यों करती, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे, चैप्टर 14, बहुत ही बड़ा रिडक्शन, अनएक्सपेक्टेड, क्या सरप्राइज है सर, क्या सरप्राइज है, अरे बहुत बड़ा रिडक्शन, कुछ सोचा नहीं था वैसा ही उड़ा दिया, क्या उड़ा दिया सर, क्या उड़ा दिया, पूरी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स उड़ा दी, पूरी कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, मतलब इसके अंदर जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थी, जितने भी टॉपिक है, मुझे पता है इसमें ज्यादा टॉपिक है, तो ये पूरे उड़ गए। क्या सर मजाक कर रहे हो बैठ बैठ के, क्या पीवी क्या है, नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं, पीआरिया नहीं हूं, देखो यहां पर लिखा है परंपरागत, एक मिनट बताता हूँ यार आपको कहाँ पढ़ने आएगा, मेरे जैसे हो काले अक्सर बहस बराबर, मैं भी शौक था, ये देखो यहाँ पर, अरे कहाँ चला गया, चला जल्दी मिल, हाँ ऊर्जा ना परंपरागत ना स्रोत, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत कन्वेंशनल एनर्जी पूरी निकाल दी, एक टॉपिक निकाला लेकिन पूरा 6 मार दी, पूरा निकाल दिया, मतलब ये पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये मजेदार बात हो गई है। अब 15 चैप्टर, चलिए चलिए 15 चैप्टर क्या बोलता है, 15 चैप्टर क्या बोलता है, 15 चैप्टर में आपका निकाला व्हाट इज इकोसिस्टम, यस ये वाला, ये जो फर्स्ट टॉपिक है वही निकाला है, इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, मतलब ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सुबह में फूड चेन फूड वेब निकाल दी, तो पूछने के लिए कुछ पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि वो उस चैप्टर में फूड चेन और फूड वेब मेन था, और किसे वो निकाल दी थी, लेकिन रिवाइज सिलेबस में इसको निकालने में आया है। तो अब 16 चैप्टर जानोगे,
16 चैप्टर, अरे बहुत ही बड़ी चीज निकाल दी। क्या निकाल दी सर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसमें सुबह में क्या निकाला था, सुबह में निकाला था स्टेक होल्डर्स, लेकिन अभी क्या निकाल दिया पता है, वाटर फॉर ऑल, पेज नंबर 275, पेज नंबर 275। चलो चलो जल्दी पहुंचेंगे 275। स्क्रोल में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी जाऊंगा पेज नंबर 275। चलो 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 शेयर करते रहो, बताते रहो अपने फ्रेंड को, वीडियो चल रहा है सर का, जल्दी देखे। वाटर फॉर ऑल मतलब ये जो वाटर फॉर ऑल टॉपिक है वो पूरा निकाल दिया, बधाज माटे पानी, गुजराती में बोलते इसको ऐसा, तो मैं भी शौक था ये पूरा टॉपिक निकाल दिया। और एक टॉपिक निकाला है सर, अब क्या निकाला इस टॉपिक में से, ये तो मैं कभी पढ़ा भी नहीं होगा, वो टॉपिक निकला है तो ज्यादातर कोई लोग पढ़ते भी नहीं होंगे। लास्ट टॉपिक पर आ जाओ, एकदम लास्ट पेज नंबर, पेज नंबर नहीं लिखा है 16.5, पेज नंबर बताता हूं, ये वाला, यस एकदम लास्ट में है, पेज नंबर 280 पर, एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ये पूरा टॉपिक निकाल दिया, मतलब इसके टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अब यहां पर ये हमारा साइंस का पूरा होता है। तो सर एक जोर का झटका देने वाला हूं, 440 वोल्ट का झटका देने वाला हूं। अब ये झटका ये है कि यहां देखो ये चीज लिखी हुई है, यहां एक चीज लिखी हुई है, दरेक प्रकरण नी शुरुआत में आपेली प्रस्तावना नी विगतो अभ्यासक्रम में चालू रहसे। ये अभी अभी आया है कि भाई जो भी इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो पूरा सिलेबस में इंक्लूडेड है। मींस इन शॉर्ट घुमा फिरा के आप लोग को वो चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ने बोल रहे, मतलब जो दरेक प्रकार प्रकरण शुरुआत में आपेली प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, विगतो अभ्यासक्रम में रहसे। रखे भाई यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये वाला पार्ट है, जरा मेरी पेन उठा लू, स्टाइलस जरा अच्छा लगता है, ये रहा ये देखो ये जरा ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर इंक्लूडेड में रहता है, रेड कलर से मैंने मार्क किया है। तो सोच लो कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट करना है। और एक दूसरा सरप्राइज है, जैसे मैंने सुबह में बताया मैं एक नई सोच नाम का प्रोग्राम चला रहा हूं, जो मैं मेरे ऑफलाइन क्लास में चलाता था, आज मैं यूट्यूब पर लाने जा रहा हूं। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। काफी बारे बच्चों ने लिखा है सर हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट संडे से, मतलब ये कमिंग संडे से नहीं, नेक्स्ट संडे से वो सीरीज चालू करूंगा। वो सीरीज में क्या रहेगा, आपकी 2 मिनट लूंगा लेकिन सब कुछ बता दूंगा। वो सीरीज के अंदर मैं जितना भी रिडक्शन हो गया उसको छोड़ के बचे जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको सॉल्व कराने वाला हूं। आप जहां पर भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। जिसको डर लग रहा है, इट्स अ मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स, तो जो लोग ने अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया है वो लोग भी पढ़ लेंगे, या जो लोग कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सके, नो डाउट आप बहुत अच्छे कोचिंग में हो, आप बहुत अच्छे स्कूल में हो, पढ़ो वहां पर पढ़ो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स से लेकर एंडिंग तक। हमारे पास बहुत टाइम है, 5 महीने है, आपके जैसे न्यूज मिले होंगे कि एग्जाम मई महीने तक जा सकती है, तो हमारे पास 5 महीने है। इस 5 महीने के अंदर मैं पूरा आपको, वो एक वेब सीरीज होती है ना आपके एपिसोड, वैसे हर संडे जैसे कपिल शर्मा आता है वैसे मैं आऊंगा हर संडे 9 बजे, 9 बजे आपको मुझे देखना है, हंसाऊंगा भी उतना ही सीरियसली पढ़ाऊंगा भी, मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने का काम मैं करूंगा। इससे मैं 7 साल से ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट मेरे ट्यूशन में अप्लाई करता हूं, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आपको उसका रिस्पांस देखना है तो आप मेरे फेसबुक पेज क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस पे जा सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जा सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ऐसा मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं, मैं हर एक को रिप्लाई देता हूं। आपने देखा अगर मैंने कुछ नया किया है तो मैंने हर एक के कमेंट बॉक्स के नीचे जाके मैंने लिखा था कि मेरा एक नया वीडियो है, जाके 2 मिनट का देख लो, बिकॉज आई डोंट प्ले विथ एनीवनस फ्यूचर। ये मेरा एक मोटो रहता है कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दूंगा राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा, सही चीजें पढ़ाऊंगा, किसी को खड्डे में नहीं गिराऊंगा, ठीक है। तो यही मेरा मोटो है। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा है, और आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो उसकी डिमांड जरूर करना। और संडे, नेक्स्ट संडे को देखना मत भूलना, एक नई सोच एक नई पहल जीरो से हीरो तक के लिए, वो सीरीज में हम मैथ्स पढ़ेंगे, तो देखना जरूर, सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।